गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं हूँ कमलेश ठाकुर और आज मैं बहुत ज़रूरी एक बात बताने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें प्लीज़, और सारे में शेयर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बगीचों में जो सेब का काम चला है तो आजकल प्रोनिंग हो रही है, स्प्रे हो रही है, तो मैं सेब के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत पुराने हो जाते हैं पेड़, मतलब बहुत ही पुराने और उनका तना सड़ने लग जाता है और कीड़ा लगा होता है। तो गाइस करना क्या है, उस तने में जो अच्छी तरह से खरोंच उसको छिलके निकाल दे, उसके सारे जितना भी सूख रहा है पेड़, और बिल्कुल ऐसे ना समझे कि बेकार है ये पेड़, उसकी सारे तने और छिलके निकाल के खरोंच ले उसको अच्छी तरह से, और फिर जो छेद है जो कीड़ा लगा है उसको अच्छी तरह से साफ करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें एक बहुत फायदेमंद बात बताने जा रही हूँ मैं, ये छोटी बात नहीं है। और आपके कितना मुश्किल होता है जब एक पौधे को लगाते हैं, हम 30 से 40 साल लग जाते हैं उसे बड़े होने में, पालने में, और फिर अगर सड़ के गिर जाए तो कितना दुख होता है, या तने में कीड़ा लगा हो, सड़न लगी हो, तो कितना दुख होता है कि क्योंकि जो पेड़ हमारे को 4 से 5 पेटियाँ सेब दे रहा हो तो वो सड़ जाए तो कितना दुख होता है। कम से कम 30 साल लगते इतने बड़े पेड़ को पालते पालते। तो गाइस करना क्या है, जहाँ कीड़ा लगा है उसे अच्छी तरह से खोचना छिलका भी, और फिर उसके बाद क्या करना, साफ करने के बाद घबराए नहीं कि छिलका उतारने के बाद पेड़ सूख जाएगा, नहीं नहीं सूखेगा पेड़। और उस तने को अच्छे से खोचे, जो खोखला सा होता है बीच में हो गया होता ना, उसको अच्छी तरह से खोचे और उसमें रेता, सीमेंट और कंक्रीट भरे। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको थोड़ी अटपटी लगेगी बात गाइस, तो ये सच है, आप ये एक बार आजमा के देखें। रेता, सीमेंट, बजरी और कंक्रीट वगैरह जो मिक्स करके इनको अच्छे से लगा दे, उस छेद को बंद कर दे, मतलब जहाँ जहाँ भी कीड़ा लगा है, और पहले छिलका उतार के उसको अच्छी तरह से खोच ले, साफ कर ले, मतलब फिर उसके बाद उसको रेता, सीमेंट और ये तीनों जैसे मकान के लिए रेता, सीमेंट लगाते वही मटेरियल लगा के पूरा भर दे उसको सारा। तो ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, औरतें भी कर सकती है इस काम को। तो उसमें ये सारा प्लास्टर टाइप कर दे, मतलब जैसे प्लास्टर कर दे, तो आपका पौधा जो है यकीन मानिए दोबारा से जितनी भी आपकी हरा भरा हो जाएगा और दोबारा से फल देने लग जाएगा। और इस फार्मूले को ज़रूर आजमाए आप, इसमें कोई ज़्यादा ना आपकी कीमत लगेगी ना कुछ चार्जिंग लगेगी ज़्यादा, तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाए एक बार। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बात को साझा करूं सबके साथ वीडियो बना करके, क्योंकि बगीचे में आजकल बहुत जोरों शोरों से काम चला है, तो बहुत सारे पुराने बगीचे हो गए हैं जिनके पेड़ सड़ने लग गए हैं और टेढ़े भी हो जाते हैं सड़ के और सूख जाते, बिल्कुल ऐसे लगता है मालिक को कि जो बगीचे के मालिक हैं जो उसकी देख रेख करते, दुख होता है उनको कि ये 30-30 साल के पेड़ भी सूखने लग गए, अब तो पुराने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ये रेता, सीमेंट और बजरी मसाला मिला करके भर दे, पूरी तरह से कवर करें उसको, पहले साफ कर लेना अच्छी तरह से, खरोंच ले मतलब उसको, और छिलका भी निकाल ले उनके जहाँ जहाँ कीड़ा लगा है, तो फिर उसके बाद इससे कवर करें और आपका पेड़ दोबारा से सारे पेड़ आपके हरे भरे हो जाएंगे, जीने लग जाएंगे पेड़। और आपको एक एक पेड़ से 4-4, 5-5 पेटियाँ, 7-7, 8-8 बड़े, बहुत बड़ा है तो 8-8 पेटियाँ भी आ सकती है, मतलब दोबारा से आपके बगीचा हरा भरा हो सकता है। तो गाइस इस बात को इग्नोर ना करें और छोटा ना समझें, और ये सारे हिमाचल वासियों को है, बहुत फायदेमंद है। सेब हमारे इतने ज़्यादा काम आते हैं कि इन्हीं सेब की वजह से हर घर में करोड़ोंपति भी हुए लोग, तो इनकी देख रेख भी आराम से कीजिए, ढंग से जैसे तौल लिया, स्प्रे और बाकी जो सड़ रहे, तो घबराए नहीं, आपके पेड़ दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को मेरा मेन मकसद है, मेन मैसेज देना है, ज़रूरी मैसेज है मेरा ये, सारे में शेयर करें इस वीडियो को, प्लीज़ 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 सारे में शेयर करें, ताकि हर किसान के पास, हर बगीचे वालों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोग फिर मेरी वीडियो ज़रूर देखें पूरी, और फिर उसी तरह से करें। 30 साल के पेड़ एकदम से कीड़ा लग जाए तो घबराए नहीं, अब कोई स्प्रे, कोई जहरीली दवाई नहीं स्प्रे करनी उस पर, कुछ नहीं, सिर्फ बस उसे साफ करना है, 2-3 बार बता चुकी मैं, उसे खोचना है पहले तो अच्छी तरह से साफ करना है, टहनियों को भी छिलके निकालने जहाँ जहाँ कीड़ा लगा है, तो उसको साफ करके फिर अच्छे से रेता, सीमेंट और कंक्रीट जो भी है सारा भर दो आप पूरा, और फिर बाहर से कवर करो, जैसे मकान में दीवारों में प्लास्टर करते इस तरह से उस जगह पे प्लास्टर कर ले ढंग से,
तो आपके पेड़ हरे भरे जीवित दोबारा से शुरू हो जाएंगे। आप यही तकनीक अपनाए सारे बगीचे में, जहाँ जहाँ आपके आपको टेंशन ही नहीं किसी भी बात की, जो भी पेड़ सड़ रहा है तो इस तरह से अपनाएं। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो साझा कर लूं ताकि सबके काम आए, ये बहुत ज़रूरी है। और बगीचे वाले तो सभी है तकरीबन हिमाचल में, तो ये ज़रूर अपनाए तकनीक। मेरी वीडियो को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरेक इंसान के पास पहुँचे, हरेक के पास पहुँचे, हरेक घर में जाए ये मेरी वीडियो। सेब को यूँ ही ना ख़त्म होने दें इनके पेड़ों को, बस यही तरीका एक छोटा सा, क्योंकि इन सेब की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है और इसी वजह से आज हर हिमाचलवासी करोड़ोंपति अरबोंपति बन चुका है। तो गाइज इसका पूरा पूरा ध्यान रखें पेड़ों का, जैसे मान लो अपने बच्चों को पालते इसी तरह से केयर करें इन पेड़ों की। तो गाइज तभी आपके रेड रेड एप्पल खाने के लिए होंगे, ताज़े फ्रेश बिल्कुल। तो कितने सुंदर लगते हैं जब पेटियां भरती है तो रेड रेड देखने के लिए कितने सुंदर। और आप लोगों की जो हिमाचल में इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों की वजह से किस किस लोगों तक पहुंचते, हर घर में सेब पहुंचते, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब हर एक इंसान को सेब पहुंचते ये। तो गाइस एक फल पहुंचाना ये सेवा ही है लोगों की, और क्या है। घर घर आप लोग मेहनत करेंगे तभी तो सेब खा पाएंगे जिनके पास बगीचे नहीं है। तो गाइस मैंने सोचा ये वीडियो मैं साझा करूं, तो मेरी वीडियो को इग्नोर ना करें प्लीज़। इस वीडियो को तो मैं बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें सब और ध्यान से देखें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को तो शेयर करें जितना हो सके, और शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपकी कमलेश ठाकुर, तो आप मुझे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बगीचों का ख्याल रखें। बाय बाय गाइस।